देखिए आरसीबी की ये जीत एक महीने के बाद आई है। मैं आईपीएल का हिस्सा रह चुका हूँ कई साल, मुझे पता ही है दो महीने का तो गेम होता है उसमें, वहां पे अगर एक महीने आप ना जीतो तो बिल्कुल आप एज ए प्लेयर मुर्दा हो जाते हो। तो आरसीबी के लिए ये बहुत जिंदा करने वाली जीत, खुशी देने वाली जीत, वहां पे रजत पाटीदार की तारीफ होगी क्योंकि मिडल फेज में रन नहीं आए थे वहां पे और स्लो हो गई थी इनिंग, तो उस लिहाज से 20 गेंदों में 50 रन, स्पिनर्स को चार छक्के लगाना एक ही ओवर में, वो मोमेंटम बरकरार रखा। कैमरून ग्रीन की भी वहां पे अच्छी बल्लेबाजी, तेज, और वहां पे जरूर विराट कोहली, अगर आप उन्हें पूछेंगे कि क्या ये इनिंग से वो बहुत ज्यादा खुश थे तो वो खुद भी कहेंगे कि ये इनिंग से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि पावर प्ले के बाद 25 गेंदों में सिर्फ 19 रन आए थे उनकी बल्लेबाजी में। तो जरूर ये अर्धशतक आया, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर उनका फॉर्म है क्योंकि पूरे सीजन 150 का स्ट्राइक रेट है, वो स्ट्राइक रेट इस मैच में कम था। वहीं पे सनराइज हैदराबाद, उनके लिए मेरे जहन में एक ही बात आती है कि उन्होंने जो खेलने का अंदाज जो बना के रखा है, वो खेलने के अंदाज में एक बात पे जरूर ध्यान देना होगा, जिस पिच पे थोड़ी सी मदद है गेंदबाजों के लिए, वहां पे एक या दो प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो इनिंग को ना संभाल के लेके चले। लग रहा है कि सबको एक ही गेयर में खेलना है, वहां पे गड़बड़ हो सकती है अगर पिच में मदद है गेंदबाजों के लिए। लेकिन आरसीबी के लिए सबसे बड़ी बात थी टॉस जीता और बैटिंग किया और कहा कि जो हैदराबाद की ताकत है पहले बल्लेबाजी करना, वो उन्हें देना ही नहीं है। वेल डन आरसीबी।